हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ डिस्कस करते हैं कि हमने आईआईटी जाने के लिए हमने ड्रीम देखा था, एक सोचा था कि हम आईआईटी जाएंगे। हमने उसके लिए एक डिफ़िकल्ट रास्ता चुना था कि हम जेईई में अपियर होंगे, और डेफिनेटली जेईई बहुत डिफ़िकल्ट थी, उसको क्रैक करना इतना ईजी नहीं होता है। तो हमारा सपना जो आईआईटीयन बनने का था वो पूरा नहीं हो पाया, हम नहीं बन पाए आईआईटीयन। हमने एक डिफ़िकल्ट राह को चूज़ किया, उसको हम पार नहीं कर पाए, लेकिन हमको एक सिंपल रास्ता दिख रहा है तो हम उसको क्यों नहीं चूज़ कर लेते। अगर हमारा एक सही में सपना था कि हमको आईआईटीयन बनना है, तो एक सिंपल सा रास्ता है कि आप गेट दो, और आप बहुत गेट को क्रैक करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, गेट में इतनी कॉम्पिटिशन नहीं है जितनी कि जेई में। तो जो आप उस रास्ते से अचीव नहीं कर पाया, जो ड्रीम आपका उस रास्ते से फुलफ़िल नहीं हो पाया, एक बहुत आसान रास्ते से बहुत इजीली फुलफ़िल हो जाएगा। तो अगर आपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही रहे हैं, तो एक बार आप ज़रूर गेट ट्राई करिए, हो सकता है आपका वो सपना जो वहाँ पूरा नहीं हुआ था अब पूरा हो जाए। तो एक बार लाइफ में गेट एग्ज़ाम आप ज़रूर देखिए देखिए। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे सी के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, सी प्रोग्राम टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। आपको एक नंबर रीड करना है, यूज़र से इनपुट में लेना है, और उस नंबर का क्या कंप्यूट करना है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कंप्यूट करना, सम फाइंड करने से कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, तो जैसे फैक्टोरियल एन क्या होता है, तो इट इज़ 1 × 2 × 3 अप टू एन। आपको नंबर का प्रोडक्ट करना है 1 × 2 × 3 × n। तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल लेंगे a, जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और आपने एक वेरिएबल ले लिया f, उसको भी इनिशियलाइज किया 1 से। सबसे पहले आपने f = f (a) लिखा। a कितना है 1, f भी कितना है 1, तो 1 × 1, तो f कितना हो गया 1। फिर a = a+1, क्योंकि अब आपने 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया f में, अब आपको किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 का। तो इट इज f = f (a). तो पहले f में 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब a कितना हो गया था 2, तो f = f (a). तो f में अब 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई था, अब और किसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 का। फिर a = a+1, तो 2 + 1, नाउ द वैल्यू ऑफ a विल बी 3। फिर आपने f = f(a) लिखा, तो अब आपने बेसिकली क्या मल्टीप्लाई कर दिया, f में 2 तो मल्टीप्लाइड ऑलरेडी था, 1, 2 तो मल्टीप्लाइड ऑलरेडी है, आपने और क्या मल्टीप्लाई कर दिया, f में 3। तो अब इसके बाद f कितना होगा, तो आफ्टर दिस स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ f विल बी 6। तो आपको बेसिकली लूप में ये दो स्टेटमेंट रिपीट करने हैं, यू मल्टीप्लाई f × a, मल्टीप्लाई f / a, एंड देन यू इंक्रीमेंट a/1। अच्छा, वॉट इफ अगर हमने f को 0 से इनिशलाइज कर दिया, तो a को तो 1 से ही करना था, क्योंकि पहले 1 का मल्टीप्लीकेशन करना था, तो a 1 था तो 1 मल्टीप्लाई हो गया, फिर a 2 हुआ तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे मल्टीप्लीकेशन 1 से स्टार्ट करना था, therefore we initialize a/1। f को 1 से क्यों किया, 0 से कर दिया तो क्या होता, तो डेफिनेटली अगर हमने f को 0 से किया होता तो पहला स्टेटमेंट ही क्या, f = f(a), 0 × 1, f कितना हो जाता, 0। फिर a 2 होता, फिर f × a, तो 0 × a कितना हो जाता, 0। तो बिकॉज हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अगर f इज़ 0, तो 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट इज ऑलवेज 0। देयरफॉर आप f को 0 से नहीं, किससे इनिशलाइज करेंगे, 1 से इनिशलाइज करेंगे। तो ये प्रोग्राम हम लिख के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो सबसे पहले वेरी फास्ट वी डिक्लेयर्ड int a = 1, f = 1, n। सपोज हम 6 का फैक्टोरियल चाहते हैं, तो इनिशियलाइज n/6, तो ये हमारा कोड क्या प्रिंट करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 6।
तो वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू एन, ए वन से लेके एन मतलब सिक्स तक जाएगा, क्या करना है आपको? तो वेरी फर्स्ट यू मल्टीप्लाई एफ बाय ए, देन यू इंक्रीमेंट ए बाय वन। यही दो स्टेटमेंट है ना, पहले ए वन था तो वन का मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद ए कितना होगा टू, टू लेस देन एन कंडीशन ट्रू, तो एफ वन तो ऑलरेडी था वन इंटू ए मतलब वन इंटू टू, एफ कितना हो जाएगा टू, फिर ए इक्वल टू ए प्लस वन, ए ऑलरेडी टू था टू प्लस वन नौ, ए इज थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू सिक्स कंडीशन ट्रू, एफ इक्वल टू एफ इंटू ए, एफ कितना है थ्री, थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा एफ सिक्स, देन ए इज फोर। तो इस तरह से हर इटरेशन में पहले वन, फर्स्ट इटरेशन में वन मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड इटरेशन में टू, थर्ड इटरेशन में थ्री एंड सो ऑन। तो एन इटरेशन में आप एन तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली आफ्टर लूप आप प्रिंट एफ और जो भी आपके फैक्टोरियल की वैल्यू है परसेंटेज डी कॉमा फैक्टोरियल आपका किस वेरिएबल में कंप्यूट होकर आ रहा है, तो इट इज़ एफ। तो आपने फाइनली एफ को प्रिंट करवा लिया। तो ये हमारा कोड है टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो सब वेरी फर्स्ट हमने अपना ऑनलाइन कंपाइलर ओपन किया, इंट ए इक्वल टू वन कॉमा एफ इक्वल टू वन कॉमा एन, सपोज हम एन यूज़र से चाहते हैं तो प्रिंट एफ एंटर द नंबर देन स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड एन। अब लूप कब तक रन होना चाहिए, तो वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू एन, क्या करना है आपको? तो एफ इक्वल टू एफ इंटू ए एंड देन यू इंक्रीमेंट एफ इक्वल टू एफ इंटू ए एंड देन यू इंक्रीमेंट ए को ए प्लस वन, और फाइनली एट द एंड ऑफ द लूप, लूप के बाहर आप क्या लिखेंगे, तो एट द एंड ऑफ लूप इट इज प्रिंट एफ। तो अगर हमने रन किया तो व्हाट वी एंड, ये हमारा आउटपुट पेन एंटर द नंबर। तो सपोज हम फोर का फैक्टोरियल कंप्यूट करना चाहते हैं, तो फैक्टोरियल इक्वल टू 24, एंटर द नंबर सिक्स, फैक्टोरियल सिक्स इज 720 है ना। तो इस तरह से आपको फैक्टोरियल कंप्यूट करने का कोड हमने डिस्कस किया है। ये कोड हमने वाइल से किया है, आप इसी कोड को डू वाइल और फॉर से भी ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे और रिमेनिंग प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।